हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज हम देखेंगे कि 88 लाइन गेट पोर्टल जो है उसकी इफेक्ट आपके पर्सन के अंदर क्या होने वाली है, वो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे उनके ऊपर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उनका अगला कदम होगा, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, रेमेडीज़ के लिए, आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे ऑथेंटिक जेन्युइन रियल कॉन्टैक्ट नंबर्स, व्हाट्सअप नंबर्स, इंस्टा आईडीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा अगर आपके कमेंट सेक्शन में, आपके रिप्लाई में कोई भी दूसरा नंबर आपको मिल रहा है तो वो मेरा नंबर नहीं है, वो फ्रॉडस्टर्स के, स्पैमर्स के नंबर्स हैं। तो ऐसे रिप्लाईज से आपको बचना है, ऐसे रिप्लाईज को आपको इग्नोर करना है और ऐसे नंबर्स पे आपको रीच आउट करना ही नहीं है। ओके, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स दिए गए हैं, जो आईडीज दी गई हैं, उस पर आप रीच आउट कर सकते हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेड पर्सनल रीडिंग्स में बहुत जल्द रीओपन करूंगी, तो जैसे ही मैं ओपन करूंगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी, तब आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द करने वाली हूँ, विद इन फ्यू डेज, एक दो दिन में ही मैं रीओपन कर दूंगी आप सबके लिए, बिकॉज मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैं पेड रीडिंग्स क्यों नहीं ले रही हूँ। ओके, सो आप लोगों के लिए डेफिनेटली मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं टाइम मैनेज कर पाऊँ और आप लोगों के लिए मैं रीडिंग्स कर पाऊँ, अपॉइंटमेंट्स ले पाऊँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन पे 88 पोर्टल का क्या इफेक्ट होगा, क्या उनकी फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए पूरे नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव 7 of vessels, वी हैव क्वीन ऑफ स्टोन्स, वी हैव 9 of bows, ओ माय गुडनेस। मुझे लगता है कि बहुत इंटेंस फीलिंग्स रहेंगी आपके पर्सन की। ठीक है, आगे मैं देखती हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी एंशियस एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। अभी से जो नेक्स्ट 72 आवर्स होगा उसी से, ठीक है, मतलब अभी से ही उनके करंट फीलिंग्स पूरे 72 आवर्स कैसी रहेंगी ये हम देखेंगे और नेक्स्ट मूव वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी से टाइमिंग आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर है द व्हील, ओके, एंड 9 of bows। बॉटम रेक्स वी हैव द गार्जियन। ऑल राइट, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी से लेकर नेक्स्ट 72 आवर्स तक क्या रहने वाली है आपके लिए देख लेते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत तरीके के कन्फ्यूजन से, इल्यूजन से निकल रहे हैं। ठीक है, पहले हो सकते हैं उनके मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी आप दोनों के सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर, उनकी खुद की फीलिंग्स को लेकर उनको बहुत कन्फ्यूजन था, इनसिक्योरिटीज़ था, डर था, और वो ना, मतलब हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था लेकिन वो इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर लेते थे कि उनको ऐसा लगता था कि आप दोनों का कोई भविष्य नहीं हो सकता, आप दोनों का प्यार नहीं हो सकता, आप दोनों साथ में नहीं रह सकते, आप दोनों का ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो जो भी इनके सेल्फ बनाए हुए थॉट्स थे, ठीक है, सेल्फ इम्पोज थॉट्स थे, या फिर कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, जहाँ पर वो आपके प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, आपके रिश्ते, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, या डिवाइन कनेक्शन है, सच्चा प्यार है, हो सकता है कि आपको महसूस होता है लेकिन आपके पर्सन को वो आइडिया नहीं है। तो आपको लगता था कि आपके पर्सन ये डिवाइन फील क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस चीज़ को एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आपको पता चल चुका है, आपने रियलाइज़ कर लिया है। तो इस पर्सन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये आपसे दूर हटना चाहते हैं, या फिर ये कुछ आगे नहीं बढ़ा रहे? तो वही जो इल्यूजन है, वो जो डर है, वो जो एक ब्लॉकेज था इनके माइंड में, इनके एनर्जी में, वो यहाँ पर पूरी तरीके से हट रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन जो हैं स्टेबिलिटी की तरफ, क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी से मुझे लग रहा है कि उनका जो अटेंशन है, उनका जो क्लैरिटी है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और बाय द 72 आवर्स बहुत ज़्यादा क्लैरिटी बनता रहेगा, बनता रहेगा। ये बहुत ज़्यादा श्योर हो जाएंगे कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, ये पर्सन आपके रिश्ते में इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, एंड ये जो रिश्ता है वो आप दोनों का डिवाइन है। भले ही बहुत डिफरेंसेस हैं, मुझे लगता है आप एक तरीके के इंसान हो, आपके पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट है, मतलब एक सन है तो दूसरा मून है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में आप दोनों रहते हैं। तो आपके पर्सन को ऐसे महसूस होगा कि भले ही हम दोनों का कोई मैच नहीं है, भले ही हम दोनों एकदम अलग अलग फैमिली से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, भले ही हम दोनों की माइंडसेट अलग है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और हम दोनों का जो रिश्ता है वो फेटेड है, यानी कि हम दोनों का जो रिश्ता है वो
किसी लकी चांस से कम नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को महसूस होने वाला है। और इतनी ज़्यादा क्लैरिटी की वजह से आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि हमें इस रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना है, हमें इस पर्सन को यानी कि आपको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, आपको वैल्यू देना है, आपके लिए हमेशा खड़े रहना है, ठीक है। और कुछ भी आप दोनों के खिलाफ नहीं सोचना है, आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ नहीं सोचना है। इस तरह की करेंट फीलिंग्स मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन की चल रही है, आपके पर्सन के अंदर उनके आत्मा में बहुत क्लेंजिंग शुद्धता मुझे नज़र आ रही है, क्लैरिटी नज़र आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आप दोनों के रिश्ते का। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अपने शेल को उतार कर एक न्यू बीइंग की तरह आपके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे। उनकी फीलिंग्स भी मुझे दिख रही है कि ये इंसान अब बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने इनसिक्योरिटीज़ कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, आपके करीब होना चाहेंगे। एंड अभी उनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि वो आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करें, ठीक है, वो अपने ये जो स्टैग्नेंट है, फॉर एग्जांपल नो कॉन्टैक्ट है, या फिर कुछ बताना नहीं जताना नहीं, ठीक है, चुप रहना, या दोस्ती से आगे ना बढ़ना, या सिचुएशनशिप से आगे ना बढ़ना, तो वो जो ये पर्सन जो हाइबरनेशन में थे, यानी कि सोए हुए, कोई इनके तरफ से एफर्ट्स नहीं, सब कुछ आप ही कर रहे हो, ठीक है, ये बस जहाँ पर है वहीं पर है, उस चीज़ से ये इंसान निकल रहे हैं करंटली, उस चीज़ से ये इंसान निकल रहे हैं एफर्ट्स डालने के लिए, अपने तरफ से 100% देने के लिए आपके रिश्ते को बनाने के लिए, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चेंज होने वाला है इस पोर्टल की वजह से, आपके रिश्ते में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, किस तरीके से क्या इफेक्ट पड़ेगा देखते हैं। हमारे पास है अप्रिसिएशन नंबर 15, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैजिशियन एंड द मिरर नंबर 53, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव द टेंपल पाथ। आप दोनों के एनर्जेटिक लेवल पे यूनियन होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। ये जो 88 पोर्टल है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आत्मा से आत्मा का मिलन, ठीक है, तो आप दोनों की बात तो होगी, फिजिकल लेवल पे करीब तो आओगे, लेकिन उसके साथ साथ सोल टू सोल जो कनेक्शन फॉर्म होना चाहिए, जो दिल से दिल का रिश्ता फॉर्म होना चाहिए, वो यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। सोल यूनियन आप दोनों का होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है, जिसकी वजह से आपने फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आप होपफुल थे, अगर आप ऐसे एनर्जी में थे कि नहीं हमारा रिश्ते में कुछ तो बात है, हमारे रिश्ते में पावर है, भले ही आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, लेकिन आगे होगा, इस तरीके के अप्रिसिएशन वाले माइंडसेट में अगर आप थे, कि जहाँ पर आप अपने रिश्ते को बार बार अप्रिशिएट करते थे और आप ग्रेटफुल थे उस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए, सो डेफिनेटली आपका वेटिंग, आपका जो एफर्ट है, आपने जो लगाया है, आपने जो होप्स रखे, आपने जो इतना अच्छा माइंडसेट रखा, उसका फल आपको मिलेगा जैसा भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन के तरफ से, ठीक है। सो जो भी आप मैनिफेस्ट करो 72 आवर्स में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो चीज़ आपको इस रिश्ते में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कमिट कर दे, या फिर ये पर्सन अपने फीलिंग्स आपको बता दे, ये पर्सन आपको प्रपोज कर दे, या फिर ये पर्सन आपके करीब आ जाए, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपको कुछ ऑफर दे बेसिकली, किसी भी चीज़ का, मैरिज के लिए हो या घूमने के लिए हो या कुछ भी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस रिश्ते में, कि ये इंसान आपके लिए ऐसा करे, इस रिश्ते में ऐसा ऐसा चीज़ हो, आप ये करो वो करो, जो भी आपके दिलो दिमाग में घूमता रहता है या चलता रहता है या चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी मीट होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप अपने रिश्ते में जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा अगर आपकी माइंडसेट पहले से इस तरीके का है, जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपने झगड़ा होने के बावजूद भी हो सकता है आप होपफुल रहे, ठीक है, आपने विश्वास रखा अपने रिश्ते पर, और अगर हो सकता है सेपरेशन के बाद भी आपने होप रखा कि नहीं आपका रिश्ता ठीक होकर ही रहेगा और आप दोनों का रिश्ता जो है वो अच्छा होगा, तो ऐसे माइंडसेट में अगर हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। रिश्ते में आपने जो भी मांगा है, जो भी आपने विश किया है, एक्सपेक्ट किया है अपने पर्सन से और आपके कनेक्शन से, वो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर डेफिनेटली मिलने वाला है। डेफिनेटली मिराकल होगा, चमत्कार होगा आपके रिश्ते में, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, आप लोग खुद मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओगे। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ पर बहुत इंटेंस स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी प्रेजेंस जो है उसकी फीलिंग मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है, ठीक है। चलिए अभी कार्ड्स देखते हैं।
देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है जहाँ पर आप दोनों ना दिल खोल के एक दूसरे से बात करोगे, आप दोनों को मौका मिलेगा कि दिल में जो भी बातें हैं अच्छी बुरी बाहर की आप दोनों से रिलेटेड या बाहर की बातें आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा यू नो खुल के बात करने वाले हो, जिससे कि आप दोनों के सोल में एनर्जी में एक्सेप्टेंस आएगा, ठीक है, एक दूसरे को समझ पाओगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। सो अगर आपका सेपरेशन है, नहीं है, ये क्रश है, फ्रेंड है, एक्स है, प्रेजेंट पार्टनर है, कोई भी है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी इंसान है, इनके साथ नेक्स्ट 72 आवर्स में आप दोनों एक दूसरे के करीब डेफिनेटली आने वाले हो और एनर्जेटिक लेवल पे तो डेफिनेटली आओगे, और ठीक है, और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कन्वर्सेशन भी होगा, बातचीत भी होगी, मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, एंड यूनियन डेफिनेटली होगा। और उसके साथ साथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये इंसान, ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए ये करे, इस रिश्ते को इस तरीके से समझे, तो वो आपकी विश, वो इच्छा, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं जैसे कि इल्यूजन, कन्फ्यूजन, मन में डर, किसी भी तरफ से, आपके तरफ से हो, आपके पर्सन के तरफ से हो, वो ये पोर्टल पूरी तरीके से डिसॉल्व करने वाला है, हटाने वाला है। मन में और भी ज़्यादा करेज, मन में और भी ज़्यादा यू नो एक कॉन्फिडेंट इस रिश्ते को लेकर आप दोनों के दिल में पनपने वाला है, और एक यू नो एक इच्छा रहेगी कि नहीं, हमें न्यू बिगनिंग करना है और जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और उसे हमें अपनाकर एक दूसरे के करीब आना है, ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। सो चलिए और भी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव एलिवेशन, लॉयल्टी। तो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में कमिटमेंट मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पर्सन के तरफ से, लॉयल्टी मिलेगा आपको, ठीक है। नो मैटर अगर आपके पर्सन ने पास में आपको चीट भी किया तो हो सकता है एटलीस्ट वो यू नो कन्फेस करेंगे या माफ़ी मांगेंगे आपसे उनकी गलतियों के लिए, ओके। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही, बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के वाइब्रेशंस बढ़ने वाले हैं, यानी कि आप दोनों सेम पेज पर आओगे, सेम पेज पर आकर यू नो एक दूसरे के प्यार को महसूस कर पाओगे, तो क्या होगा कि इस रिश्ते में ना एलिवेशन होगा, ठीक है, रिश्ता जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और एक डिवोशन यहाँ पर एंटर करने वाला है आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है द टेम्पल पाथ, डिवोशन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे को पाने की इच्छा दिल से, एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा दिल से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल होने के लिए अट्रैक्शन के बेसिस पे या यू नो इन्फैचुएशन के बेसिस पे होगा, जो भी होगा प्योर लव के बेसिस पे होगा और यू नो प्योर इंटेंशंस के वजह से होगा कि यस वी लव देम एंड हम उनके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मुझे उसके साथ कुछ करना है या मुझे उसके साथ फिजिकल होना है, मैं अट्रैक्टेड हूँ उसके तरफ, ऐसी वाली फीलिंग्स नहीं रहेगी। जेन्युइन अनकंडीशनल लव की वाइब यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से दिख रही है, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली आप होपफुल रहें, आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें नेक्स्ट 72 आवर्स में, जितना हो सके उतना हैप्पी हैप्पी रहने की कोशिश करें। अगर आपके पर्सन आपसे बात करने आए या फिर आप उनके पास जाओ तो ट्राई करो कि आराम से कन्वर्सेशन करो, झगड़ा वगैरह ना हो, ठीक है। समझने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, अगर आपके पर्सन आते हैं तो आपके अगर दिल में नाराज़गी भी है तो पहले आप सुन लो, पहले लिसनर बनो, उसके बाद जब आप बोलोगे तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली सुनेगा या सुनेगी, ठीक है। तो अपने माइंड को क्लियर रखने की कोशिश करो, हैप्पी रहने की कोशिश करो, अल्टीमेटली सब कुछ होगा। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, और साथ में अगर आपको ये रीडिंग क्लेम करना हो या ग्रेटिट्यूड शो करना हो तो कमेंट सेक्शन में अपने एंजल्स को, यूनिवर्स को जरूर ग्रेटिट्यूड शो करें, और क्लेम भी आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।